मुंबई की पांच खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर मुंबई में अस्पतालों के डॉक्टर द्वारा हड़ताल से जुड़ी हुई है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा हड़ताल किया गया, जिसमें ओपीटी पर बड़ा असर पड़ा है और बिना इलाज किए मरीज लौट गए। आपको बता दें, डॉक्टरों का ऐसा आरोप है कि उनके ऊपर खास तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो अपने परेशानी को लेकर काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल बीएमसी इस पर सोच विचार कर रही है कि डॉक्टरों की मांग किस तरीके से पूरी की जाती है। दूसरी खबर, मुंबई प्रेस क्लब में पार्टी के दरमियान एक चोर के घुस आने की खबर है, जहां पर मुंबई प्रेस क्लब के अंदर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी में एक चोर आया और उसने पर्स भी जो है काफ़ी लोगों के चोरी किया, जिसके बाद कुछ पत्रकारों ने उसे देखा और उसे पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल किसी को जो है इसमें चोरी की घटना में जो है किसी का चीज़ें गायब नहीं हुआ है, सभी को अपना सामान मिल गया, लेकिन मुंबई प्रेस क्लब में इस तरीके की घटना ने काफ़ी ज़्यादा सोचने पर सभी लोगों को मजबूर कर दिया। तीसरी खबर मुंबई में सलमान खान से जुड़ी हुई है, जहां पर जबलपुर से एक व्यक्ति जो काफ़ी जबरा फैन था सलमान खान का, वो अपने जबलपुर से लेकर सलमान खान के घर बांद्रा के गैलेक्सी तक साइकिल पर आया, जिसके बाद सलमान खान ने भी उसके साथ मिलकर फ़ोटो खिंचवाई, जिसका फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। खबर जुहू से, जहां पर जुहू के एक 5-स्टार होटल में पार्टी के दौरान एक 12 वर्षीय छात्र के साथ जो है एक 29 वर्षीय आरोपी जयप्रकाश मल्होत्रा ने छेड़छाड़ की, जिसके छेड़छाड़ के बाद माता पिता को उस 12 साल की लड़की द्वारा बताया गया और 12 साल की लड़की को ने जब अपने माता पिता को ये पूरी बात बताई तो माता पिता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर 354 के तहत मामला दर्ज कराया और फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है। पांचवी खबर, बांद्रा में पुलिस ने माउंट मैरी चर्च को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये आरोपी ने ईमेल द्वारा धमकी दिया था कि मुंबई का जो बांद्रा का माउंट मैरी चर्च है उसे बम से उड़ा देंगे, और ऐसी धमकी ईमेल पर दी गई थी, जिसका ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस ट्रैक कर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।